तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एच ई जी के स्टॉक के बारे में। एच ई जी के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार हाइयर हाई हाइयर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंटली हमको यहाँ पर स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिली थी, लेकिन यहाँ पर गिरावट के बाद भी स्टॉक ने यहाँ पर अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया और अगेन हमको स्टॉक में रिकवरी देखने को मिली। लेकिन आज हमको यहाँ पर स्टॉक में 1.44% की यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिली है। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि यहाँ पर गिरावट के बाद भी जो ये स्टॉक है वो यहाँ पर अपने सपोर्ट के ऊपर बना हुआ है, तो यहाँ से अभी अगेन हमको स्टॉक में रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। यहाँ से अगर अभी स्टॉक में रिकवरी आती है तो यहाँ से अब रिकवरी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 2407 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखना मिलेगा। अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी तेज़ी एक बड़ी बाइंग यहाँ पर देखना मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 2700 देन यहाँ से हमको स्टॉक में 3000 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में 3250 और 3400-3500 तक के लेवल्स भी यहाँ से अभी देखने को मिल सकते हैं। वही यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट की कंडीशन में हमारे पास स्टॉक में 2068 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 1958 और 1806 तक के लेवल्स भी यहाँ से अभी देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।